ओम शांति। बाबा ने कहा, बच्चे आप बच्चों की सारी पढ़ाई का सार है बाप समान बनना, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित हो जाना। आपका पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, अर्थात अपने ओरिजिनल स्वरूप की पहचान। दूसरा सब्जेक्ट है योग, अर्थात बाप की याद से, बाप से गुण और शक्तियाँ ले अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होना। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा, अर्थात स्थूल और सूक्ष्म धारणाएं जो हैं वो भी आपको बाप समान ही बनाती हैं। चौथा सब्जेक्ट है सेवा, अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, जो कि आपके सारे हिसाब किताब फिनिश कर आपको न्यारा और प्यारा बना देती है। बच्चे बाप समान बनना है तो याद के साथ साथ मनसा वाचा कर्मणा की फुल चेकिंग होनी चाहिए। चेक करो आपकी मनसा स्वयं के लिए और सर्व के लिए शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर है। दूसरा वाचा, आपकी वाचा मधुरता और प्रेम से भरपूर होनी चाहिए। कर्मना, अर्थात आपको हर कर्म शांति और खुशी के साथ करना है, जिससे आपके हर कर्म आपको भी और सभी को सुख देने वाले बन जाएं। बच्चे आपकी मनसा वाचा कर्मना बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। जो आपके संकल्प हैं वो बीज हैं, इसलिए आपका फुल अटेंशन अपने संकल्पों पर हो। अब आप बच्चों को अपने संकल्प व्यर्थ नहीं करने हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प घाटा डाल देते हैं, परंतु अभी समय है कमाई का। बच्चे जल्दी जल्दी चेक एंड चेंज करते जाओ, अपने व्यवहार को बाप के साथ मिलाकर चेक करो, फिर चेंज करो, क्योंकि बाप आपके व्यवहार से ही प्रत्यक्ष होगा। और जो आत्मा जितनी हल्की होगी उतना ही उसका व्यवहार बाप समान बनता जाएगा। इसके लिए स्वस्थिति के आसन पर स्थित रहो। बच्चे आप बच्चों की विजय निश्चित है, इस नशे में रहे पुरुषार्थ करो, फिर हर कर्म में सफलता आप बच्चों को ही मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind. Just a click for a peaceful life.